रात के 9 बज रहे हैं और मुझे जाना है संजौली। मैं लक्कड़ बाज़ार बस स्टैंड में खड़ी हूँ, लेकिन मुझे कोई भी बस नहीं मिल रही और यहाँ आसपास बहुत ही कम लोग हैं, तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे बस का वेट नहीं करना चाहिए, लेट्स बुक अ टैक्सी। तो मैं टैक्सी में बैठी और फिर वो दोनों लोग मुझे बहुत अजीब लग रहे थे, लेकिन जैसे तैसे मैं अपनी लोकेशन पर पहुँची और फिर मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया। One eternity later. Hi everyone and welcome back to my channel. कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड आई होप आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। तो आज मैं आई हूँ शिमला में और शिमला में आज क्रिसमस डे। क्रिसमस डे इतना कुछ खास सेलिब्रेट नहीं हो रहा है, अभी रात को आई गेस हो सकता है, बट आई हैव टू गो बैक टू चंडीगढ़। लेकिन आज क्या किया कि हमने पूरे दिन में कैसे घूमे, मस्ती की, इंजॉय किया, खाया पिया, घूमे फिरे, इस सब कुछ मैं आपको आज दिखाऊंगी इस व्लॉग में। और साथ में दिखाऊंगी कि आज रिच और मॉल का कैसा व्यू है, क्या है यहाँ पे, मतलब कितने सारे लोग हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मतलब तो बहुत सही चीज़ें बताऊंगी इस व्लॉग में। तो मेरे सब बने रहेगा एंड तक। फिलहाल चलते हैं। फिर शिमला के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप सभी लोग जानते हैं कि शिमला कितनी सुंदर जगह है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शिमला में तो सिर्फ दो ही जगह है घूमने के लिए, मॉल है, रिच है, सभी लोग बार बार घूमने यहाँ क्यों आ जाते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि सब लोग यहाँ बार बार क्यों आ जाते हैं। आप सब लोगों को यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ जो दिख रही है, ये इसीलिए क्योंकि इन सब लोगों के यहाँ आने का कोई ना कोई रीज़न है। और इस जगह के साथ जुड़े रहने की सबसे जो खास वजह मुझे लगती है वो है यहाँ की वाइब। ये वाइब बहुत ही प्यारी है, इसीलिए बार बार हम तो अब हम आए हैं मॉल पे और मॉल पे अब हम खाएंगे यहाँ पे पानीपुरी और चाट पापड़ी। हमेशा बहुत ही पुराने हैं, मतलब हमारा देश कितना खूबसूरत है। गोलगप्पे एंड चाट पापड़ी मिलता है। तो मैं निक्की और नेहा और आंचल, आंचल का ये आंचल है पीछे। तो हम लोग हमेशा से यहाँ पे आते हैं, पहले हम गोलगप्पे खाएंगे। मतलब जो मैं स्कूल में होती थी ना, आज से कोई मैं कितने साल पहले थी स्कूल में, आज 10 साल पहले से मैं अपने गोलगप्पे अब चाट पापड़ी खा रहे। बाकी ये अंकल तो बहुत पुराने हैं यहाँ पे। हमारी कोई मेमोरी जुड़ी है टक्का बेंच से? तो अभी हम लोग, हाँ ये तो हमने बताया नहीं कि हम कहाँ पे हम लोग जो रिज के पीछे टक्का बेंच है, टक्का बेंच के साथ जो ये यहाँ पे स्टॉल्स लगे होते हैं गोलगप्पा चाट पापड़ी, ये बहुत ही टेस्टी। आप किसी के पास भी रुक जाना, मतलब यहाँ पे अमेजिंग, मज़ा ही आ जाएगा। मतलब शिमला में क्या होता है ना, एक ट्रेंड आता है ना, फिर सारे के सारे लोग ना वही कपड़े पहन के घूमते हैं सेम एक जैसे। हमें पता नहीं लगता, मैं कईयों को देख के कन्फ्यूज हो गई हूँ, ये आंचू है, ये निकू है, ये नहीं हुआ है। हाय हाय, कितना ये मेरी है, ठीक है। मन कभी गोलगप्पा मेरे मुंह में जाएगा, ये आंचल के मुंह में गया गोलगप्पा, जाते ही एकदम सनसनी फैल गई अंदर। निकी के मुँह में ऑलरेडी पानी आ रहा है। ओह शिट, खा खा खा, ओह देख मैं वीडियो बनाती रह जाऊंगी। पहला ये मेरा, एंड लेट्स चीयर्स टू द लास्ट गोलगप्पा ऑफ 2022 एंड लुक व्हाट आई फाउंड। आपने कुछ नोटिस किया तो कमेंट जरूर करना। और फिर हमने सोचा कि एक स्लो मोशन वीडियो बनाया जाए पीठ में 10 किलो का बैग लेके और इतने सारे लोगों के बीच में, पता नहीं कैसा बनेगा, बट आप भी देख लीजिए कैसा बना है। और ये मेरा फेस का रिएक्शन। तो हमने गोलगप्पे खाए और गोलगप्पे मेरे को दो ही मिले, बाकी मेरे हिस्से के सारे गोलगप्पे लोग खा गए। अब मैं जा रही हूँ कृष्णा बेकर्स, अब मैं इनको खिलाऊंगी वहाँ पे कृष्णा बेकर के मोमोज, क्योंकि मैं कब से बोल रही हूँ शिमला आऊंगी और कृष्णा बेकर के मोमोज नहीं खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब मीठा खाने के लिए तो तृप्ति इज गुड चॉइस या फिर त्रिशूल इज ऑल्सो गुड चॉइस। तो हम देखते हैं कहाँ जाते हैं अभी फिलहाल। ओए मेरी बहन ने कहा गई खाइस। अभी हमने झांसी पार्क को क्रॉस किया है, नीचे को जा रहे हैं। पहले हमने सोचा कि हम झांसी पार्क जाएं, बट नहीं, फिर वहाँ पे भी बहुत रश है और मतलब आज सारी जगह पे बहुत ज़्यादा रश है। हमने सोचा कि थोड़ी सी शॉपिंग भी करेंगे। एक छोटा सा सेंट आ रहा है आगे से, मैं दिखाती हूँ ये देखो
स्नैपचैट ऑन करके बैठी है बेचारी की सेंट आएगा और ये स्नैप बनाएगी। हम तेरे शहर में आए हैं दीदी, मतलब जब मैं यहाँ पे रहती थी ना शिमला में, अब तो मैं चंडीगढ़ रहती हूँ ना, तो जब मैं शिमला में ही रहती थी ना तो मुझे मतलब ऐसा लगता था कि मतलब होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, वैसा सीन था। अब मेरे को शिमला इतना सुंदर लगने लग गया अचानक, फिर से जब से तो मैं ब्लॉगर बनी हूँ तब से तो मेरे को शिमला और खूबसूरत लगने लगा। तो मुझे ना मॉल पे ये कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है यार, यहाँ पर देखो ये देखो गोली। अच्छा हम लोग नूर को अपनी लैंग्वेज में गोली बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ पे क्या बोलते हैं आप कमेंट करके जरूर बताना। बैलेंस देखो, सही में बैलेंस देखो बंदे का यार, और खा भी रहा है ये कुछ ये यहाँ से। फाइनली हम कहाँ पहुँच गए, नहीं हुआ अपनी डेस्टिनेशन पे कृष्ण बेकरी। ये देखो लाइन देखो कितनी लंबी है। तो हमने क्या ऑर्डर किया है, एक कुर्केस, बहुत ही यम्मी कुर्केस होते हैं यहाँ पर, और साथ में दो वेज मोमोज। ये एक ये है और एक है इसके हाथ में, ये देखो कितने यम्मी लग रहे हैं, बहुत जल्दी से खाते हैं। और ये है डेट चॉकलेट, डेट वॉलनट, डेट वॉलनट, इसके ऊपर वॉलनट्स हैं, मतलब अखरोट, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। ये देख रही ये पक्का इनका चिपका हुआ है, ये देखो बड़ी मुश्किल से मुझे खाने को मिला है, मैं तो खाऊंगा चाटूंगा चाटूंगा। रुक तो सही, मैं भी लेके आता हूँ, अभी ले जाऊंगा तुझे साथ वाला पूरी ना ऊपर एक चाट चुका है, इसमें तो बहुत मिर्ची है, मैं कैसे खाऊंगा। ये देखना बैलेंस कैसे बनाया है इसमें, ओए वाह वाह वाह, मुंह में तो नहीं लगा। ये देखो भाई बैलेंस देखो खतरनाक, शिमला में तो खास करके सब फेयर एंड लवली लगा रहे हैं। गाइस हम आपको बताएंगे कि फेयर एंड लवली क्या है, फेयर एंड लवली है ये जो फेरन आपको दिख रहा है ना, ये है इसको हम फेरन लवली के नाम से बुला रहे हैं। ये चाहिए मेरे को ये वाला देखो, आपको क्या लेना है बूट्स, ये इतनी तो खुद भी है। चुप करो यार, तो ठीक है जा पूछ अंदर जाके, देना अभी प्राइस देखेंगे, बोलती बंद हो जाएंगी चुपचाप आएंगी नीचे, अभी मैं यही रहती हूँ साइड में, ले लो आ चुप। देखो अभी क्या होगा इनके साथ, एक तो आ गई ये आ गई दूसरी ये भी आई जाएगी बेचारी आ गई। और लोगों को क्यों सेल में पीछे देखना 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 जहाँ नहीं लोगों के साथ वो सब कपड़े वहाँ घुस जाती है, लो लो खरीदो। अब पता नहीं कहाँ घुस गए दोनों, कहाँ गई इस शॉप पे गई है, अब यहाँ पता नहीं क्या करने गई है ये दोनों चिंगियाँ, ये आगे क्या चीज है, क्या सीन है तुम्हारा है निकी, जो भी लेगी दो लेना पैसे दे दियो। यार ये तो मेरे को पसंद आ गया, ये कितना सही लग रहा है यार, लॉन्ग स्टफ टाइप, हाँ स्टफ भी अच्छा है, गर्म भी है बट पहन के बहुत अच्छे लगेंगे यार लॉन्ग में ना। गाइस कोरियन के क्या लिया, किसने लिए, मैंने, तूने ली, देखना नेहू क्या बोलते अब तो तेरे को थर्ड पर्सन भी बोल रहे हैं, बोले कि जब तक नेहा स्माइल नहीं करेगी तब तक मैं आपको डिस्काउंट नहीं दूंगा। नेहा को स्माइल करना पड़ा, फिर नेहा ने स्माइल किया तब जाके मेरे को 1250 की जींस हम आपको 800 में मिली, देखा इसकी स्माइल की कितनी वैल्यू है ना। तो हम लोग अभी ना नथुराम के पास जलेबी लेने के लिए जा रहे थे, खाने के लिए जा रहे थे, और उन्होंने अभी जस्ट मतलब 2-3 सेकंड पहले ही बंद की शॉप, और हम इतना दिल से गए थे ना क्योंकि नथुराम के पास सबसे बढ़िया जलेबी मिलती है पूरी शिमला में ऐसा बोलते हैं। अब हम कहीं और चलते हैं, मतलब आगे भी एक और शॉप है ना जहाँ पे बढ़िया मिलती है,
चलो होगी। हे भगवान, इतने रश में ब्लॉग करना पता कितना मुश्किल काम है। देख ना कहाँ रह गए पीछे, शिगड़ी शिगड़ी छाड़नी हो गई खोल। ऐसा कुछ क्या बोला मैंने, क्या बोला, जल्दी जल्दी छोड़ने होते कदम। शाबाश, छोड़ू। हाय वे, मेरी बाजू में दर्द हो रही है। गाइस पूरे का पूरा ब्लॉग खत्म होने को आया, लेकिन हमने इंट्रो नहीं शूट करी अभी तक। इंट्रो क्या देना, कितनी बार देना है? हाँ तो यार इंट्रो कितनी बार देना है। निकी फेयर एंड लवली, यार तो सबके पास फेयर एंड लवली है यार, तो क्या करना अब जब है इसका फैशन चला हुआ तो है। ऐसा कैसे चला यार, ये तो वैसे हो गया जैसे कोरोना हो गया सबको, मैं सबको फेयर एंड लवली हो गया है। गाइस यहाँ पे पता क्या सीन है, आप लोग सोच रहे हो मैंने बता दिया ऑलरेडी है कि फेयर एंड लवली क्या है। गॉड ये हमारी ये ना दी का बेटा है, मतलब मेरी रियल मासी की बेटी है उनका बेटा, और अकेला घूम रहा है छोटा सा बच्चा पूरी मार्केट में। यार ये तो पूरी मार्केट में मैं ऐसे ब्लॉग करते हुए चल रही हूँ ना, सब लोग ऐसे घूम घूम के देख रहे हैं पीछे से कौन भी छोटी है। जलेबी वाले यही जा रहे थे हम, यही जा रहे थे जलेबी वाले शो। मैंने सबको बच्चों करा आ चुके हैं, क्या नाम है इसका, सात्विक स्वीट्स। चलो भाई सात्विक स्वीट्स में आगे जगह है बैठने की, नहीं है नो सीट्स अवेलेबल यार, नो सीट्स अवेलेबल। अब क्या करें, कोई थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, वेट कहाँ करें फिर। गाइस हमारी जलेबी आ गई है और अब हम इसे खा लेते हैं, अब हम इसमें टूट पड़ते हैं। नाइस यार, सही है। जब मैं भी खा लेती हूँ, अच्छी है। तो पूरा व्लॉग शूट कर दिया और अब याद आया कि हमने इंट्रो तो शूट किया ही नहीं, तो इंट्रो शूट करने से पहले मैं आपको मिलाना चाहती हूँ अपने छोटू 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 पैकेट से। ये हमारी दीदी का बेटा है, इसका नाम है अभी अभिनव 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 ठाकुर ठाकुर। तो अभिनव ठाकुर ना कुफरी से है, कुफरी के बारे में ये बहुत कुछ बता सकते हैं हमें, कुफरी के बारे में हम ब्लॉग बनाएंगे एक दिन है ना, पर आप हमें गाइड करोगे ठीक है ना, बहुत जगह पे घूमेंगे और बहुत सारी अनएक्सप्लोर्ड जगह पे भी जाएंगे है ना। ठीक है फिर अगली व्लॉग में आप इनको देखोगे, आगे आने वाले किसी एक व्लॉग में, अभी स्नोफॉल होगा तब हम आएंगे ठीक है, तब पक्का ना, तब ठीक है फिर मिलते हैं फिर, ओके बाय। तो ये भी अभी ये लोग जा रहे हैं मेरे को छोड़ने के लिए, ओल्ड बस स्टैंड चलोगे तुम लोग, मैं नहीं चलना पड़ेगा यार ऐसे कैसे, मैं हमारा मतलब पूरा हो गया, कितने गंदे हैं ये लोग यार, चलना पड़ेगा। ये हमारा सारा साज सामान सब कुछ, तो इंट्रो शूट कर लेती हूँ, आइए बाजू में दर्द हो रही है। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं स्कैंडल पॉइंट पर, और यहाँ पे सामने ये गेटी थिएटर है और ये यहाँ का पूरा व्यू है, मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे पिक्चर्स भी आप क्लिक कर सकते हो आके, बहुत बढ़िया वॉक करने के लिए बहुत बढ़िया है, मतलब शाम के टाइम तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, दिन में भी आप आ सकते हो। और ऊपर वाले इन फ्लोर्स में रेस्टोरेंट्स भी हैं जिसमें आप बैठ के इंजॉय कर सकते हो अपनी कॉफ़ी टी बियर ड्रिंक्स कुछ भी, और इसके अलावा सामने सनसेट हो रहा है बहुत ही सुंदर खूबसूरत भी। चल दौड़ दौड़। सनसेट का व्यू दिख गया तो मैं रुक गई उसके चक्कर में, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लोग पागल तो ना करें। तो फाइनली अब हम कहाँ जा रहे हैं अपने आप को, जिसका हमने आज पूरा दिन मजाक उड़ाया, फेयर एंड लवली। तो फिलहाल चलते हैं वापस है ना चंडीगढ़ की तरफ, लेकिन उससे पहले फेयर एंड ले लेते हैं, और टाइम बहुत होने वाला है मेरे को जल्दी निकलना पड़ेगा।